हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पशुपालन के ऊपर वीडियोस। और फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया था कि कृषि के अंदर पशुपालन भी शामिल है, तो इसलिए मैं आपको पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और भी बहुत ऐसी वीडियो खेती से रिलेटेड आपके लिए लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। तो फ्रेंड, आज से पहले जो भी खेती के जो औजार थे उसके ऊपर मैंने सब्सिडी पर वीडियोज़ बनाए, आपने बहुत पसंद किया, तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियोज़ भी पसंद करेंगे। तो फ्रेंड, बकरी पालन, भेड़ पालन के ऊपर सरकार जो अनुदान दे रही है उसके ऊपर ये वीडियो है। तो फ्रेंड, आप जानते हैं देश भर में बकरी और भेड़ पालन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है इंडिया में। तो फ्रेंड, सरकारें जो हैं अलग अलग राज्य में अलग अलग अनुदान दे रही हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ये केंद्र की योजना है। तो कुछ राज्य सरकारें अपनी ओर से क्या है कि इसमें कुछ अंश जोड़ देती हैं जिससे सब्सिडी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊँगा कि ये किस स्कीम के बारे में बात हो रही है और कौन सी स्कीम है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगा। तो फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद जुबेर, आप देख रहे हैं LKW ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के ऊपर है, लेकिन हर राज्य में बकरी पालन, पशुपालन, भैंस गाय है आदि के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से जाकर के कृषि विभाग से पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं कि नेशनल जो है लाइव स्टॉक मिशन ने जो उत्तर प्रदेश में रूरल बैकयार्ड बकरी एंड या भेड़ पालन योजना का आगाज़ किया है। इसके तहत जो किसान होगा फ्रेंड, उसको 10 बकरी और एक बकरा या फिर 10 भेड़ और एक छतरा या भेड़ा दिया जाएगा। तो फ्रेंड, इस योजना के तहत सब्सिडी कितनी मिलेगी? तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को एक इकाई, यानी कि जैसा पहले वीडियो में बताया, 10 बकरी और एक बकरा या फिर 10 भेड़ और एक छतरा या भेड़ा दिया जाएगा। तो फ्रेंड, इसके जो योजना की में इन जो इकाई की कीमत होगी लगभग 66,000 रुपये आंकी गई है। और इसमें से अगर कोई लाभार्थी, कोई किसान अगर उसका आवेदन पास कर लिया जाता है तो उसे सिर्फ 6,600 रुपये यानी कि 10% ही देना होगा अपनी जेब से। यानी कि फ्रेंड, फ्री जैसा ही काम है, आपको 6,600 रुपये अपनी तरफ से देना और बाकी जो 66,000 रुपये हैं वो सरकार आपके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर देगी। फ्रेंड, अब बात करते हैं कि इसमें आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको जो भी पात्र इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो आवेदन विकास खंड स्तरीय पशु चिकित्सा अधिकारी के पास कर सकते हैं। और फ्रेंड, इस जो योजना में के अंतर्गत लाभार्थी का चयन फ्रेंड विकास खंड समिति के अनुसार किया जाएगा या फिर लास्ट में जिला स्तरीय के हिसाब से किया जाएगा। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कहाँ से पता करें। तो सरकारी पशु चिकित्सालय में जाएं या विकास खंडीय पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जाएं, या फिर आपके पास कोई भी बड़ा पशु चिकित्सालय है तो वहां पर जाकर के आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे लाल कलर के आइकन पर क्लिक करके और साथ में घंटी को भी दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियो आपके लिए आने वाली हैं, तो ये आपके दोस्त भी इसे मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे and bye-bye.